दोस्तों आज के समय में ऑनलाइन काम करके तो हर कोई पैसा कमाना चाहता है, खास करके इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोविड-19 के पीरियड में हर कोई ऑनलाइन आना चाहता है। और ऐसा चाहे भी क्यों ना, ये वर्क फ्रॉम होम, घर में रह के काम करना है, अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करना है, कितना टाइम काम करना है, कितना टाइम नहीं करना है, वो सारा कुछ अपने ऊपर रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि अपने ऊपर कोई बॉस नहीं रहेगा, अपना खुद का मर्जी और खुद का मालिक रहना है। तो यदि आप भी ऑनलाइन काम करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टॉपिक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, वो भी जेन्युइन तरीका। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं 5 तरीका बताने वाला हूँ ऑनलाइन अर्निंग का, उसे आप किसी भी तरह ये मत जज कीजिएगा कि पहले नंबर पर बताया मतलब इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग होगा, या फिर 5वें नंबर पर है मतलब ये थोड़ा बेकार है, या फिर ऐसा कुछ, ये सब मत जज कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग के कौन कौन से जेन्युइन तरीके हैं और उन सब पर आप अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अर्निंग कर पाएंगे। जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपको उतना ज्यादा अर्निंग होगा, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो सबसे पहला है यूट्यूब। दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना और अर्निंग करना ये तो बहुत कॉमन बात हो गया है, हर कोई जानता है, लगभग सभी को पता होता है कि यूट्यूब से अर्निंग किया जाता है। मेरा दूसरा मेथड है अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, आप किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसके बदले आपको वो कंपनी पे आउट करता है एज अ कमीशन। सो गाइस इसे अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। गाइस मेरा तीसरा पॉइंट है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, यदि आप अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना गिग बनाते हैं, उसके बाद आपके पास ऑर्डर आते हैं, बहुत सारे लोग लिस्ट करते हैं कि हमको ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, जैसे कोई फेसबुक का पेज बनवाना चाहता है, या फिर वेबसाइट बनवाना चाहता है, या फिर कोई भी सेटिंग करवाना चाहता है, यूट्यूब पर अपना अकाउंट बनवाना चाहता है, जीमेल बनवाना चाहता है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज जो कि बहुत लोगों को नहीं आता है, और वो लोग, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग का मदद लेते हैं और वहां पर आप अपना सर्विस देके बहुत अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मेरा चौथा पॉइंट है वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट से बहुत ज्यादा अर्निंग आज के समय में लोग कर रहे हैं। दोस्तों वेबसाइट पर क्या होता है, यदि आप कोई भी अपना साइट बनाते हैं, उसके बाद आप अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं, यदि आपका कंटेंट पब्लिश होने के बाद आपके वेबसाइट पर यदि कोई विजिटर आते हैं तो आप वहां पर एडवर्टाइजमेंट लगा के अर्निंग कर सकते हैं, या फिर एज एफिलिएट मार्केटिंग आप लिंक विंक वहां पर दे सकते हैं। तो इससे भी बहुत लोग अर्निंग कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों मेरे वीडियो का 5वां और लास्ट पॉइंट है शेयर मार्केट, जो कि आजकल ट्रेंड बनता जा रहा है और यहां से अर्निंग बहुत जल्दी होता है, लेकिन अर्निंग के साथ साथ यहां पर पैसे डूबने के भी चांस होते हैं, इसलिए यहां पर थोड़ा सावधान रहके, लेकिन यदि आप थोड़ा सीख जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, बहुत दिनों तक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आई एम श्योर कि इससे आपको भी बेनिफिट हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।